फ्रेंड्स आज आपको मैं लोपटैंक बदल लगा के दिखाऊंगा कैसे हमें साथ बने रही है 300 मीटर के लोपटैंक। आज अगर मेरे चैनल पर आप नए तो नए सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए 47 इंच का टंकी है, देखो ये लेंथ 47 इंच है, अब हाइट नहीं है, विड्थ 36 इंच का है विड्थ और इतना और हाइट में 12 इंच का टंकी है। देखिए इसको मैं सीलिंग के ऊपर लगाऊंगा वाशरी के ऊपर, ठीक है, ऊपर हमारा 12 इंच का हाइट है, ठीक है, मैं वाशरी के अंदर लगाऊंगा सीलिंग के ऊपर, वाशरी में हैंगिंग करूंगा, लटकाऊंगा, कैसे लटकाऊंगा देखिए मेरे साथ बने रहिए। देखिए ये वाशरी है, मुझे यहाँ पे समझ लो 14 इंच लेना है टोटल ऊपर से, क्योंकि एक इंच ऊपर गैप चाहिए वो 12 इंच का टंकी और नीचे एक इंच का पार्टी है 14 इंच। अब इधर से मैं 47 इंच ले रहा हूँ, 48 इंच ले रहा हूँ, ठीक है, बाद में अभी बाजू में से 6 इंच छोड़ना है, ठीक है, अब इस साइड से 6 इंच छोड़ना है 48 से, ठीक है, अब दो बाजू से 6 इंच चला गया, 1 फीट चला गया, बाकी 3 फीट बचेगा, 3 फीट के अंदर से मुझे सेंटर लेना है, ठीक है, समझ लो 3 एंगल हो गया, बाजू में से 6 इंच, फिर 18 इंच, फिर 18 इंच, ठीक है, 3 एंगल लगेगा, टंकी के दोनों बाजू 6 इंच चला गया, बाकी जो बचा 3 फीट के अंदर समझ लो 1 फीट 2 फीट 3 फीट समझ लो 3 एंगल। अब देखो 14 इंच में हाइट में मार्किंग क्या हूँ, 12 इंच का टंकी और 1 इंच ऊपर 1 इंच नीचे पट जाएगा, ठीक है, हाइट फिर सीलिंग से 14 इंच देख लेना है, चारों बाजू डोरी में से मिला के, क्योंकि हाँ सीलिंग अप डाउन हो सकता है लेकिन अपना टाइल्स का डोरी हिसाब से पकड़ना पड़ेगा, टाइल्स का डोरी से देखो, टाइल्स का डोरी से जितना हो रहा है ना, अब इधर भी देख लेना टाइल्स का डोरी से उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब टाइल्स का डोरी से जितना आ रहा है 60 एमएम आ रहा है लगभग 60, अब वहां से पूरा सीलिंग चेक करो कितना आ रहा है। अब देखो अब फर्स्ट एंगल मारूंगा 14 इंच जो है अपना एंगल टॉप रखूंगा, सीलिंग से डिस्टेंस पर 14 इंच रखना है फाइनली, और बाजू में से 6 इंच रखना है, ठीक है, ये फर्स्ट ड्रिल मारा, देखो अब 5 किलो ऊपर मारना इसके लिए, क्योंकि अपना ऊपर लटकाएंगे ना तो नीचे का डिस्टेंस लेवल कर सकते हैं। देखो अब पहला किल्ला मारो, ठीक है, पूरा नहीं मारने का, ठीक है, पूरा नहीं मारने का, थोड़ा बाकी रखना है, ढीला रखना है, अब देखो बाजू में से जितना डिस्टेंस है ऊपर ना उतना नीचे भी लाके उतना रखो, नीचे भी उतना रखो, ठीक है, नीचे भी उतना रखो, फिर ड्रिल मारो, ठीक है, उसको हटा लीजिए एंगल को, फिर बाद में ड्रिल मारिए, ये फैसिलिटी यही है कि हम हटा हटा के मार सकते हैं पूरा इजीली। दूसरा किल्ला मारो, देखो मार्किंग ले लो, फिर बाबा हटा दो इसको, फिर वो ड्रिल मारो उसको, देखो 2 इंच का किल्ला बेस्ट रहता है, ठीक है, हमारी RCGS के 2 इंच में किल्ला मार रहा हूँ, अगर यहाँ पे वो लगभग ब्लॉक हिट है लाल हिट है तो मैं 3 इंच का मारता, क्योंकि RCG में ज्यादा किल्ला जाएगा नहीं अंदर तक, ठीक है, अब तीनों किल्ला को उठाओ अंदर, पूरा पूरा जाने दो, पूरा पूरा अंदर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब एंगल एक एंगल फाइनल होगा समझ लो, अब देख लेना है क्या, अब इसमें हमें देखना है डोरी में से कितना आ रहा है, ठीक है, वो जितना मारा था इसको भी उतना रखना पड़ेगा, जो मार्किंग किया हो पहले का 47 इंच से और माइनस 6 इंच, ठीक है, समझ लो ये हैंगिंग हो गया, चलो बीच वाला हैंगिंग, ठीक है, अब लेवल बोबल लेवल चेक करेंगे, स्प्रिट लेवल क्या है, स्प्रिट लेवल में देखो पक्का है, फाइनल है, पूरा का पूरा 0 लेवल पा रहा है, देखिए पूरा पूरा सेंटर में है 0 लेवल बोबल लेवल, ठीक है, अब देखो जहां जहां लेंगे ला रहे हैं वहां पे मार्किंग कर ले मेजर टाइम में, ठीक है, जहाँ जहाँ एंगल आ रहा है वहीं पे मार्किंग करना है, ठीक है, बाद में इस साइड में लेके आके उसी जगह पे चेक कर लेना है, ठीक है, अब इसी मेजर टेप को उस बाजू में दीवार में लटका दो, ठीक है, पहले लेवल चेक कर लो हाइट कितना है, 14 इंच पे लेना है 14 इंच ले लो, ठीक है, बाद में जहाँ जहाँ मार्किंग किए थे मेजर टेप के ऊपर ना वहीं पे मार्किंग करो, बराबर 28 में तो सेम लेवल मिलेगा आपको, बोलो 6 इंच 24 इंच 36 इंच समझ लो 36 इंच, ठीक है, नहीं 36 नहीं सॉरी 24 18 36 42 इंच सॉरी 42 देखो ऊपर से 14 इंच पकड़ना है, डोरी से चेक कर लेना, डोरी से पैसे टाइम बराबर डोरी से बराबर पैसे टाइम, क्योंकि डोरी लेवल मिलता है सीलिंग लेवल नहीं मिलता बारो कहीं भी, ठीक है, वही सेम सेम लेवल होना चाहिए 47 इंच 40 नहीं होना 60 mm 60 mm बराबर, पहले एंगल डी एंगल मारना चाहिए, ऐसे ही मारना है ऊपर से 14 इंच डिस्टेंस छोड़ के, या अपना जो टाइस का डोरी लेवल मारे हो इससे छोड़ के ऐसे ही मारना है, ठीक है, देखो वहाँ पे एंगल दूसरा बीच वाला नहीं मारना है, पहले दो साइड का मारना है एंगल, फिर बाद में बीच का मारना है, कैसे मारना है मैं दिखाऊंगा, दो मारने के बाद में ऊपर एंगल लग देना है लंबा वाला एंगल, फिर बाद में नीचे से एंगल लेके अटैच करना है, फिर मारना है, ठीक है, दो एंगल मारने में तो पता चल जाएगा बीच वाला कैसा मारना है, ठीक है, लेवल पूरा लेवल पे आ जाएगा, दो एंगल के ऊपर एक लंबा एंगल डालना है, फिर बाद में नीचे से वो एंगल को लेके जाना है एल एंगल,
फिर अपना जहाँ लेग टच होता है उसके बाद ऊपर एक खिल्ला मार देना है। बस आइडियली राइट साइड ओरिजिनल लेवल कर लीजिए, फिर डील मार दीजिए उसकी जैसा दूसरा बाकी जैसा मारते हैं। देखिए ये पहला खिल्ला अगर ऊपर मारेंगे आपको नीचे का खिल्ला मारने में डील करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, बहुत इजीली हो जाएगा आपका। एक सिंपल के लिए बस ऊपर का खिल्ला डील मारना है, मार्किंग लेना है, ठीक है, हटा लीजिए फिर वापस मारना ऐसा। ये बहुत फीचर्स अच्छा है इसमें कि एक खिल्ला मारने के बाद आप तीन खिल्ला इजीली मार सकते हो, लटकता रहेगा वो पकड़ना नहीं पड़ेगा हर बार। खिल्ला को पकड़ रखना पड़ेगा, बार बार उठना चढ़ना भारी पड़ता है। नीचे का खिल्ला तेजी से मार रहा हूँ इसके लिए नीचे ब्लॉक भी है, उसमें ऊपर जो तो खिल्ला रहा है वो क्या है ना वो आरसीसी का भीम है, इसलिए ज्यादा खिल्ला नहीं जाएगा, लंबा खिल्ला नहीं जाएगा, उसमें दो इंगे खिल्ला मार रहा हूँ। अभी देखो तीसरा एंगल कैसे मारना है तो आपको मालूम है, ठीक है, पहले एंगल चढ़ा के दिखाता हूँ आपको। देखो ऊपर से एक नाट देना है, फिर वाइसर देना है, वाइसर के नीचे से एक वाइसर से नाट देना है, ठीक है ना, तो खिल्ला एंगल होल किया है उसके अंदर नाट चलाना जाएगा और बाद में इजीली ओपन हो सके। देखो एंगल पर जीरो लेवल मारा है, देखो देखो एक दूसरा कोई लेवल लेवल फाइव नहीं मारा, ठीक है, कोई लेवल नहीं देखा, फिर भी देखो पूरा जीरो लेवल मारा है। एंगल बाकी रखना इसके लिए क्योंकि पूरा का पूरा लगा दो तो टंकी जाएगा नहीं, ठीक है ना, शॉर्टेज जगह है, ठीक है। एक एंगल बाकी रखना है, दो एंगल ऊपर चढ़ाना है, ठीक है, फिर बाद में तीसरा एंगल बाद में डालना है। अभी सिंपल चेक करने के लिए डाल रहा हूँ, ये एंगल से छोड़ के रखना है कभी भी आपको टंकी फिटिंग करना, जो बाजू का एंगल फिक्स है ना वो एंगल से थोड़ा बाहर रखने का, क्योंकि आपको अभी निकालना हो ना, आपको रिमूव करना हो ना, तो आप इजीली निकाल पाओगे एंगल, जैसे एंगल लगा रहा हूँ उससे बाद में एंगल खोलने के बाद आप इजीली रिमूव कर पाओगे, टंकी को नीचे उतर पाओगे इजीली, आराम से उतर पाओगे, इसके लिए उसको छोड़ के रखना पड़ता है। अब देखो नाट लगा देंगे, ठीक है, फिर खिसक के ना गिर जाए। अब मार्किंग लेना है, देखो ये है इनलेट का मार्किंग क्या ना, अब ये आउटलेट का मार्किंग किया हूँ, अभी इनलेट का मार्किंग कर रहा हूँ, पानी का इनलेट का ऊपर से चढ़ेगा, ठीक है। अब टंकी का टॉप लेवल पे है इनलेट और आउट और जो ओवर फ्लो है अभी टॉप लेवल पे रहेगा, ठीक है, कभी भी देखो वो स्टेट में वहाँ लेना है, ठीक है, लगभग। अब देखिए हीटिंग कर रहा हूँ, जी आई निपल है, जो एक इंच का जी आई निपल है उसको गर्म करो, देखो अभी उसको ज़्यादा गर्म होने के बाद में टंकी में देखो टॉप लेवल में ऐसा एक ही जगह में घुमाते रहने गए, ठीक है, तो इजीलिए अपना धीरे धीरे होल हो जाएगा अपना, ठीक है, बाद में तुरंत उसको होल होगा, तुरंत आरे पर है ना आरे पर उसको तुरंत साफ कर दो अंदर बाहर पूरा, अगर लेवल कर दो, क्योंकि अगर रहेगा तो टैंक निपल जो बराबर बढ़ नहीं पाएगा, अंदर बाहर से वो पिघला हुआ रहता है उसको बराबर साफ करो अंदर से, ठीक है, साफ करने के बाद में पूरा क्लीन करने के बाद अच्छे से, और ज़्यादा मत कीजिए फिर अपना ढीला पड़ेगा, ठीक है, टाइट है बराबर चलेगा कोई बात नहीं, ठीक है, घूम घूम टाइट हुआ चलेगा टेपन, ठीक है। देखिए दोस्त हमारे साथ बने रहिए, थोड़ा क्लीन करना अच्छे से, देखो ओवर फ्लो है आउटलेट है, ठीक है, दूसरे भी होल हो गया है, ठीक है, तीसरे टैंकने वाला खोलना है, ब्लैक वाशर खोलना है, ठीक है, जिसमें एक ब्लैक वाशर रख के अपने टेबल टेप देना है, जो लंबा वाला आटा है तो वो अंदर जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें एफ टी चढ़ाने के लिए उसमें टेबल टेप देना पड़ता है, पहले एफ टी चढ़ा दो, ठीक है, एक बाजू में आटा आता है, एक बाजू प्लेन आता है पाइप करने का, टाइट कर लीजिए बराबर से। अब देखिए ये बाजू में जो ब्लैक कलर का वाइसर है इसको अंदर डालना है, सिलिकॉन देकर लगाना है, देखिए इसको भी लेने दो, अभी बॉल को भी बॉल को ऑटोमेटिक काम करता है, बॉल को काम ये टंको टैंकी भर जाएगा अपने आप बंद हो जाएगा, उसमें टपन टिप देना अंदर से, देखो अंदर से पुश करके निकालना बाहर, फिर एक ब्लैक कलर का वाइसर डालना है, ठीक है, फिर बाद में एक नट डालना है ब्रश का नट डालना है, फिर इसको पानी से राइट करना है, नीचे से पकड़ कर रखना है क्योंकि घूम जाएगा तो फिर बॉल को काम नहीं करेगा। देखो इसमें सिलिकॉन देना है, टेपन टेप देना है, बस आपने सिलिकॉन देना है क्योंकि आपका दूसरा कुछ काम नहीं करता, सिलिकॉन रबर के जैसा होता है, कभी भी आप वाइब्रेटिंग हो कुछ भी हो चढ़ाओ उतारो कुछ भी ना आपका कभी फटेगा नहीं, मतलब जॉइंट फटेगा नहीं या जॉइंट से लीकेज नहीं करेगा टंकी का होल करने में, जो भी केस हो वो पूरा कर देगा सिलिकॉन, सिलिकॉन बेस्ट रहता है टंकी के लिए या ना टंकी होल के लिए। देखो नीचे से वो एक ब्लैक कलर का वाशर है, व्हाइट कलर का नट टालने का टाइट कर देने का, और बाद में जो लास्ट टाइटिंग करने का नीचे पकड़ के ऊपर से घुमा देने का। अब देखो इतना हो गया हाथ में ना, और ऊपर से देखो हाथ में घुमाने का, ठीक है, तो सिलिकॉन है उसको देखो हाथ से चिपका देने का, चार बाजू खींच देने का, ठीक है, जो बार फिर सिलिकॉन आता है उसको बेस्ट रहता है कि लीकेज नहीं होगा। अब वो वाला इनलेट में भी दे दो बॉल को का टंकी का आउटलेट, ये इनलेट ओवर शू, देखिए अब देखिए बॉल को इसमें एफ टी चढ़ाना है, पौने आधे का एफ टी सी सी का है, आधे इंच कांटा, तो मैं पत्थर देखिए चढ़ा के बाद में फ्लाई डाल दूंगा पौने इंच का सनवे का लगा के, क्योंकि फाइबर का पट्टी चला जाता है, दब जाता है, बैंड हो जाता है, ठीक है, इसे एंगल से छोड़ कर रखना है इसके लिए कि बाद में कभी उतारना है इजीली वही रिमूव कर सकते हो, इतना छोड़ कर रखना है कम से कम, तो बाद में इजीली निकाल सकते हो, टंकी नीचे डाउन कर सकते हो, उसी जगह सीधा नहीं चला सकते हो,
उसके टंकी का ओवरफ्लो का कनेक्शन करूंगा फटिया मार के। फटिया हो ना तो थोड़ा सा बैंड कर सकते हो, अगर स्टेट आपका ओवर टंकी का होल अगर बराबर सीधे स्टेट में नहीं आया थोड़ा सा क्रॉसिंग कर मिला सकते हो। यूनियन चिपका दिया यूनियन, ठीक है यूनियन खोलने का, कभी धोना हो तो खोल सकते हो, कभी रिमूव कर सकते हो मेजरमेंट ले लिया, ठीक है। अब देखो इसको चिपकाऊंगा जो मेजरमेंट लिया था, अब देखो भाई इसका यूनियन लगा कर मैं खाली माफ इसका माफ लूंगा। 45 का डिस्टेंस कितना है 45 का और एल्बो के बीच में, ठीक है चलो ऐसे रखना है। चलो मेजर कितना हो रहा है इसका, लगभग फैंसिंग पेंस थोड़ा ज़्यादा होएगा, ठीक है चलो निकाल के इसका मेजरमेंट चिपका के काटता हूँ। चलो कोई बात नहीं, चलो हो गया, चलो इसको पुश करना अब। चलो यूनियन पहले यूनियन में चिपका लो क्योंकि बाद में यूनियन फट जाता, नहीं तो यूनियन के अंदर चिपकाने से पहले बाला उसका जो बड़ा ये आता है चूड़ी जैसा उसको डाल देने का, दोनों एक साथ में चिपकाने का है क्योंकि आपको यूनियन में भी मेकअप देना है, यहाँ पे भी पूरा करना है दोनों जगह। देखिए इसको पूरे लेवल रखना है, बाद में इसको चढ़ा देने का बराबर से। चलो हो गया ये